हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ आपको छोटी से छोटी जानकारी, जैसे कि वैष्णो देवी जाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, RFID कार्ड कहाँ से बनेगा एंड आप वैष्णो देवी कैसे जा सकते हैं, होटल रूम कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। सो गाइज, हमारे पास कटरा जाने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम बस से जा सकते हैं या तो हम ट्रेन से जा सकते हैं। एंड प्राइवेट AC स्लीपर बसेस चलती हैं सेक्टर 52 चंडीगढ़ से चंडीगढ़ टू कटरा। सो हमने पहले ही अपनी AC स्लीपर बस ऑनलाइन बुक करवाई हुई थी तो हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर 52 चंडीगढ़। सो गाइज, मैं पहुंच गई हूं कटरा और रात 10 बजे बस चली थी और 7 बजे मॉर्निंग में हम कटरा पहुंच गए हैं। तो अब बात करते हैं RFID कार्ड की। ये कार्ड आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से मिल जाता है और जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको एक कार्ड दिखाना होता है और इसे अपने साथ ऊपर तक लेके जाना होता है। और जब भी आप भवन में दर्शन के लिए जाते हो तो वो कार्ड आपको दिखाना होता है और वापस जाते टाइम कार्ड आपने जमा करवाना है। सो गाइज, हमने बाणगंगा तक का ऑटो कर लिया है क्योंकि यहाँ से बाणगंगा 2.5 किलोमीटर है, तो आपका जो 2.5 किलोमीटर है वो बच जाएगा क्योंकि उसके बाद भी आपने चढ़ाई करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का रास्ता है बाणगंगा तक का। माता पे भी यही चिन्ह रहता है जो लाल रंग का है ना, तो देखो ये कौन सा मंदिर है। ये वैष्णो माता, ऐसी गुफा में ही दर्शन करने आते। अच्छा, ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे प्रसाद के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं। चुनरी भी आपने लाया होगा तो ठीक है, नहीं तो इधर चुन्नी भी मिल जाएगी आपको यहाँ से। गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं बाणगंगा और यहां से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं नए वाले रास्ते से, जो कि है ताराकोट मार्ग वाला रास्ता। और आप दर्शन करने से पहले बाणगंगा पर नहा भी सकते हो। बाणगंगा की कहानी यह है कि देवी माँ इस रास्ते से गुजर रही थी जब भैरव बाबा उनके पीछे पड़े थे उनको पकड़ने के लिए, तो यहाँ पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। तो उन्होंने हनुमान जी को यहीं पर रहने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने कहा कि मैं बिना पानी के इस जगह पर कैसे रह पाऊंगा। तब देवी माँ ने अपने तरकस से बाण निकालकर धरती पर मारा और यहाँ पर गंगा प्रकट हुई और हनुमान जी ने पानी पिया और माता ने अपने केश धोए थे। तो गाइस, ये जो नया रास्ता है भवन की तरफ जाने के लिए ताराकोट मार्ग वाला, इस रास्ते पर हमें यहाँ पे दिखाई दिया प्राचीन हनुमान गुफा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है श्री राम दरबार भगवान शिव के समस्त ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि ये सीढ़ियों से जाते हुए ऊपर एक गुफा है हनुमान जी की। तो गाइस, यहाँ पे आपको हर 100 मीटर की दूरी पर पीने का पानी मिल जाएगा। बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं। ये नया रास्ता है भवन तक जाने का और आप देख सकते हैं ये प्लेन है, इस पे चढ़ाई नहीं है, बट ये 2 किलोमीटर ज्यादा है पुराने वाले रास्ते से। ये हमें यहाँ की पहली शॉप दिखाई दी है, ये देखिए। तो यहाँ से हम लस्सी ORS वगैरह ले लेते हैं ताकि बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाए। देखिए गाइज, रास्ते में हमें दिखा है कॉफी शॉप, यहाँ से आपको टी भी मिल जाएगी, कॉफी भी मिल जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पे इस तरह का सारा मेन्यू लगा हुआ है, इधर आपको जो कुछ भी चाहिए, चाय कॉफी आप ले सकते हैं यहाँ से। थोड़ी सी आगे चल के रास्ते में हम लोगों को दिखा है मैकडी और हम लोगों को चलते चलते बहुत भूख लग रही थी तो हम लोग यहाँ से कुछ खाने पीने का ले लेते हैं। सबसे अच्छी बात है कि बिना ऑनियन गार्लिक के यहाँ पे मिल जाएगा, और जो भी रास्ते में यहाँ पे जितनी भी शॉप से कुछ खाने को मिलेगा वो सभी बिना ऑनियन और गार्लिक के आपको मिल जाएगा। हमें दोपहर हो गई है, चलते चलते सुबह से हम लोग चल रहे हैं और लंच टाइम भी हो गया है। यहाँ पर लंगर मिलता है और आप देखिए कितना प्यारा व्यू है, फाउंटेन का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लंगर में यहाँ पे क्या मिलता है खाने को। तो आज यहाँ पे लंगर में बनी है अरहर की दाल, राइस और साथ में पेठे की सब्जी। तो चलिए गाइज, लंच कर लेते हैं और फिर यात्रा अपनी कंटिन्यू करते हैं।
हमने सबने लंच कर लिया है और यहाँ पे देखिए अब सभी अपने बर्तन अपने आप धो रहे हैं। सो गाइज हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि अर्धकुंवारी से पहले भी दो रास्ते आते हैं, जो जाता है वाया अर्धकुंवारी और एक है बायपास अर्धकुंवारी। और हम लोग जा रहे हैं बायपास अर्धकुंवारी, जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कम पड़ता है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से भवन ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर रह गया है। और ये देखिए गाइस पहाड़ों के बीच में वो माता का भवन दिखाई दे रहा है, वहां तक हमें जाना है। अर्धकुंवारी से भवन तक ये एक ही रास्ता है जिसपे घोड़े भी चलते हैं, प्रेम भी चलती है और पैदल यात्रा भी होती है, इसीलिए आपको इस रास्ते पे अब रश देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि घोड़े भी चल रहे हैं, पैदल यात्रा भी करनी है और प्रेम वगैरह भी बच्चों की बड़ों की सबकी चलती है। गाइस हम लोग माता के भवन के बहुत पास हैं और यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है माता भवन। तो हम लोग यहाँ पे रूम वगैरह भवन वगैरह देख रहे हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्वती भवन, दुर्गा भवन, ऐसी बहुत सारे भवन आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए या रात को रुकने के लिए आपको डोरमेट्री वगैरह मिल जाएंगे। और अर्धकुंवारी से भवन जो है वो 5.5 किलोमीटर है। तो फाइनली हमें माता रानी का दरबार दिख गया, बहुत ही सुंदर है। याद करे वो लोग निराले होते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे भवन मिल जाएंगे जहाँ पे आप नहा धो सकते हो और यहाँ पे लॉकर में आपको अपना सारा सामान जो है वो रखना होता है। आपको अपना बैग, पर्स, मोबाइल फोन एंड शूज़ वगैरह सब कुछ लॉकर में रखना होता है क्योंकि भवन में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। सो गाइज अभी भवन के अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन लॉकर में जमा करवा रही हूँ। मैं अब कोई भी वीडियो आगे शूट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपसे मिलती हूँ दर्शन के बाद। गुड मॉर्निंग, आज है हमारा यहाँ पे 2nd डे। तो और आप देख सकते हैं पीछे सभी लोग यहाँ सोए हुए हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो हम लोग भी यहाँ पे डोरमेट्री में हमें कहीं किसी कोने में थोड़ी सी जगह मिल गई थी, तो हम लोग भी वहाँ पे सो गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं, अभी हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं और अब हम लोग जाएंगे भैरव जी के उड़न खटोला में। तो गाइज हम लोग जाएंगे रोप वे से और हम लोगों ने रोपवे की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी ऑनलाइन कर रखी थी। और ये आप देख सकते हैं जो इतनी लंबी लाइन लगी है, ये ऑफलाइन वालों की है, जो जिन्होंने कोई भी बुकिंग नहीं कर रखी है रोपवे से जाने के लिए, ये ऑफलाइन वाले लोगों की लाइन है। और तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुकिंग की जो होती है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की साइट से आप कर सकते हैं। रोपवे एंड हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आप सेम साइट से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग करी हुई थी रोपवे की, तो हमें ये बेनिफिट हो गया कि हमें इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा और हमारा जल्दी से नंबर आ गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं रोपवे की तरफ। और रोपवे से हम 2 मिनट में भैरव बाबा के मंदिर पहुंच जाएंगे और यहाँ पे इसकी टिकट है 100 रुपीज ईच। जय वैष्णो देवी माता की। रोपवे से जाने में हमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं भैरव जी के मंदिर जाने तक, और ये इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम 35 से 40 लोग आराम से आ जाते हैं। और यहाँ पे भैरव बाबा जी के लिए प्रसाद वगैरह मिलता है। बाबा को
है यहाँ प्रसाद लेना, आप देखते हैं क्या चढ़ता है, पता नहीं यहाँ से ले लो। सो गाइज, हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं भैरव बाबा जी के। हालांकि बहुत ज्यादा रश था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत जल्दी जल्दी नंबर आ गया दर्शन के लिए। तो लोग अब पैदल यात्रा के लिए निकल चुके हैं। वैसे तो हमारी रोपवे से बुकिंग हो रखी थी आने के लिए, बट रोपवे से टाइम लग रहा था, 9 बजे स्टार्ट होनी थी रोपवे, इसीलिए हमने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। और इस बार हम जा रहे हैं पुराने वाले रास्ते से। तो गाइज, ये हम हत्ती मत्था पहुंच गए हैं, और हत्ती मत्था से अर्धकुंवारी तक 2 रास्ते हैं। या तो आप स्टेयर से जा सकते हैं, या फिर आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ स्टेयर से जाएंगे, कुछ हम वैसे दूसरे रास्ते से जाएंगे। और दूसरे रास्ते के कंपैरेटिवली स्टेयर से जाना बहुत शॉर्टकट पड़ता है। और ये हम जा रहे हैं स्टेयर से, स्टेयर से जाने का रास्ता हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी। अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी, चलिए चले चलते चलो। और गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये है अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोग अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन नहीं कर पाए हैं। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि जब भी आप जाते हैं माता के भवन, तो आप जाते टाइम अपने नंबर की पर्ची लेते हुए जाएं, ताकि वापसी में आप दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो अगले दिन आपका दर्शन के लिए नंबर आ जाएगा। बाणगंगा से हम लोग अपने होटल रूम के लिए ऑटो पकड़ेंगे, देन फिर वहाँ से पैकिंग वगैरह करनी है अभी हमें, फिर हमारी ट्रेन है 4:50 की। बाणगंगा 2 किलोमीटर रह गया है गाइस। यहाँ पे हम लोग मसाज करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था चल चल के। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ में फुट मसाज करवाई हमने, जिससे थोड़ा सा रिलैक्स मिला पैरों में। तो गाइज, ये है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आई कार्ड, जो हमें वैष्णो देवी भवन जाते टाइम मिले थे, क्योंकि इसके बेस पे ही भवन में एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, अब हम इसे यहाँ पे जमा करवा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं। तो गाइज, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं स्टेशन, हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, और अब हम लोग बस रात को आराम करते हुए जाएंगे, और सुबह तक हम पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। सो गाइज, ये थी हमारी वैष्णो देवी यात्रा, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे माता रानी के और भैरव बाबा जी के भी। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग जब भी माता रानी जी के दर्शन के लिए जाएं, तो आराम से टाइम निकल कर जाएं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है नहीं तो। तो गाइज, बहुत अच्छे से यात्रा संपन्न हुई, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की सारी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी। भोर भई दिन चढ़ गए।